देश में दिवाली के पावन पर्व की धूम है और देश में दिवाली का जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार दिवाली का होता है। अब इस दिवाली के त्योहार की जब बात आती है तो दिवाली के त्योहार के नजदीक आते आते कुछ लोग पटाखे बैन करने की मांग उठाने लगते हैं। अब पटाखे बैन करने की मांग तो उठी रही थी, अब इस पटाखे बैन की मांग पर मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद कुछ लोगों को मिर्च लगने लगी। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल यूनियन पब्लिक स्कूल विजयगढ़ रोड सासनी हाथरस। आप सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को स्कूल परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली जो की रोशनी का और वो किस तरीके से तिल बनाने लगे, आज इस खबर में हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मशहूर कथावाचक हैं और अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं और जो भी कहते हैं उस बात का एक मतलब होता है और उनके बयान से कुछ लोगों को मिर्च भी लगने लगती है। तो ठीक है, इस बार भी ऐसा ही हुआ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया उस बयान के सामने आने के बाद कुछ लोगों को कैसे मिर्च लगने लगी, ये आज हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मैं कल्पना सेंगर MD हेवन सेडो कॉन्वेंट स्कूल नगला पतुआ सासनी की तरफ से सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पटाखे बैन को लेकर क्या बयान दिया, जिसके बाद उनके बयान पर भी बयान आने लगे और कई लोगों को ऐसी मिर्च लगी, ऐसे तिल बिलाने लगे, मानो जैसे बयान पटाखे बैन के विवाद को लेकर न दिया गया हो, बयान उन्हीं को लेकर दिया गया हो। तो अब आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। विश्वविख्यात कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से कुछ लोगों को मिर्च कैसे लगी और क्यों वो बिलबिलाने लगे, तो चलिए अब आपको बताते हैं पूरी खबर। दिवाली के मौके पर पटाखे बैन के विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं उनमें साजिश रची जाती है, होली दिवाली पर ज्ञान दिया जाता है। साथ ही आगे कहा कि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन धर्म के त्योहार आते हैं कोई न कोई कानून के उल्लंघन की बात करता है, रोक लगाने की मांग करता है। किसी ने कहा है कि दिवाली पर जो इतने तेल के दिए जलाए जाते हैं उससे कितने गरीबों का भला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में बकरीद भी तो मनाई जाती है, उसे बंद करवा दीजिए। बकरीद में जो लाखों रुपए का खर्चा किया जाता है कम से कम उसे गरीबों में बांट देंगे तो न जाने कितने गरीबों का भला हो जाएगा और जीव हिंसा भी बचेगी। उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर पटाखे फोड़े जाते हैं, तब इनका ज्ञान कहाँ चला जाता है, तब प्रदूषण नहीं होता क्या? दिवाली आते ही प्रदूषण हो जाता है, होली आते ही पानी खराब हो जाता है, हिंदुओं के त्योहार पर दोगलापन बंद हो, हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, हमने तो पटाखे खरीद लिए हैं। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। साथ ही ये भी बताएं कि क्या दिवाली पर पटाखे बैन होने चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।